नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज मैं आप लोग के लिए डीसीएस सिस्टम सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे डीसीएस सिस्टम सीरीज के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट अपने आई बटन पे और वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप यहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग कॉम्पैक्ट कंट्रोल बिल्डर AC800M का कैसे यूज करते हैं, तो मैंने इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को लास्ट वीडियो में सब कुछ बता दिया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले के वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो इन्हीं सब वीडियोस से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये सब अभी वीडियोस में बेसिक आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताया था इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से, तो चलिए इसको अभी हम लोग ओपन कर लेते हैं। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही हम लोग यहाँ पे एक बॉयलर के नाम का एक प्रोग्राम बनाया था हम लोगों ने, तो इसको क्लिक करते हैं। और यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग छोटे छोटे लॉजिक बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो डीसीएस सिस्टम में जो भी हम लोग लॉजिक बनाते हैं वो सारे का सारा हम लोग FVD में बनाते हैं, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में दोस्तों, जिसको शॉर्टकट में FVD बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉयलर लॉजिक के नाम से दे देता हूँ जैसे, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो एक नई न्यू पेज आपको यहाँ पे ओपन हो गया बॉयलर लॉजिक के नाम से। तो दोस्तों, हम लोग बेसिक हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए, हम लोगों को मालूम होना चाहिए लॉजिक बनाने के पहले हम लोग गेट्स, जो लॉजिकल गेट्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई भी किया होगा, पढ़ा होगा, उनका कैसे यूज करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को गेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग गेट्स को यूज करके हम लोग लॉजिक बनाते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और आज मैं आप लोगों को एंड और गेट का फंक्शन बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे सारे गेट्स मिल जाएंगे, काउंटर मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे हम लोगों को आज एंड गेट देखना है, तो एंड गेट यहाँ पे कर दिया, टाइप बूल है, साइज 2 है, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आप, एंड गेट आपको आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन सभी का इनपुट, ये 2 इनपुट और 1 आउटपुट। तो एंड गेट का फंक्शन अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि एंड गेट का फंक्शन कैसे होता है, कैसे वर्क करता है एंड गेट, ठीक है। तो ये एंड गेट है ये, तो इसमें क्या होता है, 2 इनपुट्स हैं, 1 आउटपुट है। तो ट्रुथ टेबल अगर आप देखोगे तो इसमें 0 0, अगर ये दोनों 0 रहेगा तो आउटपुट हमारा 0 रहेगा, अगर इसमें एक भी अगर 1 रहेगा तो भी 0 रहेगा, जब तक दोनों आपके इनपुट्स 1 नहीं हो जाएंगे, ठीक है, बिट हाई नहीं हो जाएगा या ट्रू नहीं हो जाएगा, तब तक आपको आउटपुट में ट्रू या बिट हाई नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका ट्रुथ टेबल होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है कनेक्शन, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2 इनपुट सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे इनपुट मैं यहाँ पे इनपुट ए कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, और दूसरे वाले को मैं कर देता हूँ इनपुट बी, ठीक है, तो इसको मैं यस कर देता हूँ, और जो हमारा आउटपुट है उसको मैं आउटपुट आउटपुट के नाम से कर देता हूँ, ठीक है, आउटपुट जेड कर देता हूँ, चलिए, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि जब तक यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी डिवाइस लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको अगर मान लीजिए कोई न्यू पंप या मोटर स्टार्ट करना है, तो आप चाहते हो कि जब तक मेरे ये दोनों पहले के मोटर पंप जब तक ना चल जाएँ तब तक ये मेरा तीसरा
जो नेक्स्ट पंप है वो ना चले, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब तक आपके दोनों पंप का इनपुट आ नहीं जाएगा कि ये रनिंग में आ गया, इनपुट ए और इनपुट बी, या जब तक दोनों रनिंग में नहीं आएंगे तब तक ये थर्ड पंप को कमांड नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे इस टाइप का यूज करते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग एंड गेट का यूज करके बड़े बड़े लॉजिक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा, और समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे हम लोग वर्क करेंगे आगे, जो भी हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये छोटा छोटा लॉजिक है दोस्तों, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और अच्छे समझिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ गया इनपुट ए हो गया, डेटा टाइप बूल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस हम लोग को असाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, कि हमारा लॉजिक जो हमने बनाया है वो सही है कि नहीं। तो देखिए, जीरो एरर्स, जीरो वार्निंग है, मतलब कोई भी एरर नहीं है दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेव एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये सेव एंड क्लोज हो गया। तो दोस्तों चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का एड्रेस डिफाइन कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो है सेलेक्ट करके दिखाए थे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग उन्हीं कार्ड्स में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था, एबीबी इंजीनियरिंग ड्राइव हो गया, एओ हो गया, डीओ हो गया, डीआई हो गया, एआई हो गया, ये सारे कार्ड्स मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाए थे कि ये सारे कार्ड्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे जो दो इनपुट्स हैं, इनपुट ए और बी, वो हमारे डीआई इनपुट हैं। तो ये अगर आपको नहीं मालूम है कि ये हमारे डीआई हैं, डीओ है, एआई है, एओ है, तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे पहले के वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि एआई क्या होता है, डीआई क्या होता है, डीओ क्या होता है, ईओ क्या होता है। तो ये हमारे जो इनपुट ए और इनपुट बी हैं वो हमारे डीआई हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों ने डीआई कार्ड्स हम अपना ओपन कर लिया है, जो हमारा इनपुट आउटपुट कार्ड्स है दोस्तों। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पाथ फ्रॉम ट्री करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इस पे प्लस को करेंगे, आपको बॉयलर के अंदर जाना है क्योंकि आपने बॉयलर के अंदर लॉजिक बनाया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बॉयलर के अंदर आपके तीन आयोज हैं, इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट जेड, ठीक है। तो इनपुट ए आप यहाँ पर डबल क्लिक करिए दोस्तों, तो ये देखिए आपका आ गया इनपुट वन, मतलब चैनल वन, डीआई के चैनल वन में आपका इसका सेलेक्शन हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दो नंबर चैनल पे हम लोगों को इनपुट बी करना है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आ गया। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको, यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए जीरो एरर, जीरो वार्निंग है दोस्तों। अब यहाँ से सेव एंड क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब एक जो है हमारा वो डीओ है, ठीक है, डिजिटल आउटपुट है हमारा एक, जो आउटपुट जेड है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेम, हम लोग उसी अपने प्रोग्राम में जाएंगे, आउटपुट जेड यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे चेक कर लेंगे कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो कोई एरर नहीं है, अब यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो चलिए अब वापस चलते हैं हम लोग अपने उसी प्रोग्राम पे। तो ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है बॉयलर्स के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे एड्रेस आपको शो करने लगा है यहाँ पे, कि हमने कहाँ पे किस कार्ड में इसका एड्रेस लिया है, इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट जेड का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऑनलाइन मोड में लेके चलेंगे। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, तो डाउनलोड प्रोजेक्ट एंड गो ऑनलाइन, मतलब आपका जो कंट्रोलर है, अभी आपने लॉजिक इसमें बनाया है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम बनाया अभी आपने सॉफ्टवेयर में बनाया है। अभी सॉफ्टवेयर से जब आपको हार्डवेयर में, आपके कंट्रोलर्स में जब आपको डाउनलोड करना होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, डाउनलोड प्रोजेक्ट एंड गो ऑनलाइन। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट आपने जो बनाया यहाँ पे प्रोग्राम, वो आपके कंट्रोलर्स में सेव होगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कंट्रोलर्स पे नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेस्ट मोड में हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, टेस्ट मोड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ओके कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखिए ये हमारा टेस्ट मोड स्टार्टेड हो गया है। तो अब फाइनल हम लोग यहाँ पे, ये देखिए इंडिकेशन आ गया है, टेस्ट मोड में आ गया है। तो अब हम लोग वापस अपने उसी प्रोग्राम पे चलते हैं, ठीक है, प्रोग्राम पे जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इनपुट ए फॉल्स है, इनपुट बी फॉल्स है और आउटपुट भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि जब तक ये दोनों इनपुट ट्रू
ट्रू नहीं होंगे या वन नहीं होंगे तब तक हमारा आउटपुट वन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए कैसे टेस्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चलेंगे, इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसको ऑन किया, ट्रू हो गया, बट हमारा आउटपुट ट्रू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे दोनों इनपुट ट्रू नहीं होंगे तब तक हमारा आउटपुट ट्रू नहीं होगा, ठीक है। आगे हमारा बिट हाई नहीं होगा। तो इसको अभी हम ऑफ कर देते हैं। अब देखते हैं इनपुट बी को मैं अगर ऑन करता हूँ तो भी देखिए अभी तक हमारा आउटपुट ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमारा आउटपुट ट्रू नहीं हुआ है दोस्तों। तो अगर मैं दोनों को ट्रू कर देता हूँ यहाँ से देखिए, तो देखिए आपका ये आउटपुट ट्रू हो गया दोस्तों। मतलब आगे कमांड आपको जहाँ भी इस कमांड का यूज लेना है, जहाँ भी एड्रेस आपको असाइन कर रहे हैं आप, तो वहाँ से आप डीओ निकाल सकते हैं दोस्तों, ले सकते हैं वहाँ से यूज में, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से वर्क करता है दोस्तों, ठीक है। एंड गेट आपका, तो लॉजिक मैंने आप लोग को दिखाई दिया था, ये ऐसे वर्क करता है दोस्तों, ठीक है। कि यहाँ पे जब तक आपके दोनों वन नहीं होंगे तब तक आपके आउटपुट में वन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे हम लोग एंड गेट का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो चलिए अब एक और गेट का बता देता हूँ मैं, और गेट का कैसे यूज करते हैं। तो और गेट यहाँ पे हम लोग इसको वापस से क्या करते हैं, इसको वापस से ऑफलाइन मोड में ले चलते हैं, स्टॉप टेस्ट मोड करते हैं, और यहीं पे इसी में जो है एक और गेट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि और गेट का कैसे हम लोग यूज करते हैं, और गेट का हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, लॉजिक कैसे होता है और गेट का। तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं दिखा देता हूँ और गेट में कैसे होता है, और गेट का फंक्शन कैसे काम करता है। ये हमारा और गेट। और गेट में कैसे होता है कि आपके अगर एक भी अगर आपका इनपुट अगर हाई है तो आपके आउटपुट में आपका आउटपुट भी हाई मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बी इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट हाई है, ए इनपुट हाई है तो भी आउटपुट हाई है, दोनों हाई है तो भी आपको हाई मिलेगा, वन मिलेगा, मतलब ट्रू मिलेगा आगे वैल्यू, ठीक है। तो ये इस प्रकार का इसका जो है लॉजिक होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट हो गया। तो चलिए अब इसको हम लोग अपने FVD में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग इंसर्ट फंक्शन करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और। तो यहाँ पे और कहाँ पे है, और गेट ओ से, तो ये है आपका और, ठीक है। अब टू साइज टू है यहाँ पे, ओके कर लेते हैं। डू यू वॉन्ट टू इंसर्ट द एलिमेंट बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पेज, तो नो कर देते हैं, मतलब नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा और गेट है। अब इसके भी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट हम लोग इसके एड्रेस पहले नाम दे देते हैं, उसके बाद एड्रेस डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं इनपुट पूरा नहीं लिखता हूँ, INP A लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ, उसके बाद INP B कर देता हूँ, और उसके बाद इसका आउटपुट Z कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि सेम नाम नहीं लेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने दे दिया है तो फिर यहाँ पे आपका नहीं लेगा, ठीक है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं पहले कि हम लोग का प्रोग्राम कोई एरर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये सेव एंड क्लोज हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो हमारे इनपुट ए और बी हैं वो DI हैं, तो यहाँ पे चलते हैं DI में और यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस से इंसर्ट पाथ फ्रॉम ट्री करेंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, अपने प्रोग्राम में जाएंगे, हम लोग बॉयलर में जाएंगे। अब यहाँ पे INP A है एक, ठीक है, उसके बाद दूसरा इनपुट INP B है। तो ये दोनों इनपुट हम मैंने सेलेक्ट कर लिए, इसको चेक कर लेंगे यहाँ से, तो कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है। इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे यहाँ से, वापस से DO में चलेंगे, तो DO में मेरा आउटपुट Z है एक, ठीक है। तो यहाँ से वापस प्रोग्राम में और आउट Z,
इसको करेंगे यहाँ पे चेक कर लेंगे दोस्तों, जीरो एरर जीरो वार्निंग सेव एंड क्लोज करेंगे। यहाँ पे वापस से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट मोड में चलेंगे। अगर इस प्रोग्राम को अगर आपको डाउनलोड करना है कंट्रोलर में, तो यहाँ पे डाउनलोड प्रोजेक्ट एंड गो ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिंपली आपको ऑनलाइन में जाना है तो यहाँ पे ऑनलाइन करना पड़ेगा, बट अभी हम लोग के पास कंट्रोलर अभी कनेक्टेड नहीं है। टेस्ट मोड में करना है तो टेस्ट मोड में आपको यहाँ पर टेस्ट मोड क्लिक करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ कंट्रोलर्स दोनों को यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है। और ये देखिए टेस्ट मोड स्टार्टेड। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में चलते हैं, इसको डबल क्लिक करना है। और ये देखिए प्रोग्राम आपका आ गया है। तो आप लोगों को जैसा मालूम है कि और गेट का फंक्शन कैसे वर्क करता है, जब तक आपका दोनों जीरो रहेगा तो आपका आउटपुट जीरो रहेगा, अगर एक भी इनपुट अगर आपका हाई होगा ट्रू होगा तो आपके आउटपुट में ट्रू मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये फॉल्स से ट्रू में चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इनपुट ए अगर मैं, अभी तो जीरो है दोनों, तो आपका देखिए जीरो मिल रहा है, मतलब फॉल्स मिल रहा है। अगर मैं इसको एक को भी ऑन करता हूँ तो ये देखिए आपका ये ऑन हो गया दोस्तों, ट्रू हो गया, ठीक है। दोनों अगर ऑन रहेगा तो भी ट्रू मिलेगा आपको, ठीक है। अगर दोनों ऑफ रहेगा तो ही आपका ऑफ होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से एंड गेट और गेट का ऐसे यूज कर। तो दोस्तों नॉट गेट का कैसे यूज करते हैं उसको भी मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट मोड से वापस से ऑफलाइन मोड में लेके आएंगे, ठीक है। और हम लोग वापस से अपने प्रोग्राम में चलेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रॉम पाथ में क्लिक करके यहाँ पे नॉट सेलेक्ट करेंगे, नॉट 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 नॉट, तो नॉट में आपको नॉट नॉट गेट, ये नॉट, तो नॉट में ओके कर देते हैं। नॉट गेट का आपको मालूम है कि कैसे वर्क करता है, तो ये है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, इन्वर्टर होता है एक तरीके से, ठीक है। अगर आप जीरो करोगे, जीरो इनपुट रहेगा तो आपके आउटपुट में वन मिलेगा, मतलब ट्रू मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। अगर आप वन दोगे, मतलब कुछ इनपुट मिलेगा उसको, तो आउटपुट जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ उल्टा वर्क करता है दोस्तों। तो चलिए इसको प्रोग्राम में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इनपुट दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ, इनपुट सी दे देता हूँ, ठीक है। इनपुट सी हो गया और आउटपुट सी दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सबसे पहले, कोई एरर तो नहीं है, तो कोई एरर नहीं है। इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं और इसका चल के अभी अपना एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। तो पहले इनपुट में करते हैं, तो वापस से यहाँ सेलेक्ट करना है, मतलब 5 नंबर इनपुट पे, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग बॉयलर में, और क्या है हमारा इनपुट सी, ठीक है, इनपुट सी में क्लिक किया, इसको चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। वापस से सेव एंड क्लोज, उसके बाद आउटपुट हमारा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, आउटपुट में आउटपुट सी, इसको चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, और इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अब वापस से हम लोग टेस्ट मोड में चलते हैं, कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो देखिए अभी हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, इनपुट हमारा फॉल्स है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस टेबल में दिखाया, ट्रू टेबल में, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर जीरो रहेगा तो आउटपुट हमको मिलेगा, अगर वन रहेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी मैं इसको वन कर देता हूँ, मतलब ऑन कर देता हूँ, तो देखिए ये फॉल्स हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आगे लॉजिक बनाएंगे इन सभी गेटों का यूज करके। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।